नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टारगेट इस समय पीजीटी है और कल परसों में एग्ज़ाम है, तो जीआईसी और पीजीटी के बेस पर ये टॉपिक लिया गया है जिसमें से कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी एंड मेजर इकोसिस्टम, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप देखेंगे कि बस पीजीटी पीजीटी एक एक एग्ज़ाम में, अभी देखेंगे 11 में और उसके बाद 16 वाले एग्ज़ाम में, उसके बाद 5 वाले एग्ज़ाम में देखेंगे इस चैप्टर से लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन बने हैं। वो भी हम आपके सामने क्वेश्चंस की लिस्ट आएगी तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरू करते हैं वीडियो, उससे पहले रिक्वेस्ट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें क्योंकि ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये इस बेस पर बनाए जा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, इसके दो पार्ट्स पहले से अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 81 में, दिया है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है। पहले तो देख लेते हैं स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, तभी आप को क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड द स्पेसिएशन, जब क्या करती नई जाति का, नई जाति का जो उदय होता है, नई जाति का जो उदय होता है या फॉर्म टू न्यू स्पीसीज जब नई जाति बनती है उसी क्रिया को हम स्पेसिएशन कहते हैं। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है, क्वेश्चन बना एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की खास बात होती है कि इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है ड्राइव इनटू द टू सब पॉपुलेशन, मान लेते हैं ये पॉपुलेशन है, इससे दो सब पॉपुलेशन बन गई, मान लो एक ये बन गई एक ये बन गई, और क्या होता है एंड नॉट फर्टिलाइज ईच अदर, ये एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर सकती, तो मतलब इसका मतलब ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अब थोड़ा सा अंतर देख लीजिए तो सारे जो आपके कन्फ्यूज़न वो दूर हो जाएंगे। ये आपके लिए मैटर हम थोड़ा सा लेके रखे थे, हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें इस तरह आपको बताई जाएँ जिससे चीज़ें कहीं कन्फ्यूज़न पैदा ना करें। तो देख लेते हैं ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है और ये सिंपैट्रिक स्पेसिएशन है, दोनों में अंतर क्या है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के लिए जियोग्राफिकल आइसोलेशन जरूरी है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं एक यहाँ रह रही है और एक यहाँ, मतलब पहले एक स्पीसीज है बट्टी और फिर एक यहाँ चली गई एक अलग, यानी दोनों अलग अलग क्षेत्रों में, तो जियोलॉजिकल आइसोलेशन बहुत जरूरी होता है। जबकि सिंपैट्रिक जो स्पेसिएशन होता है यहाँ जियोग्राफिकल आइसोलेशन नॉट नीडेड। अब यहाँ से दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन बना है एलोपैट्रिक वाला आपके सामने ही रखा है, तो उसने पूछा है कि इसमें होता है क्या, तो अभी आंसर जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, यहाँ नेचुरल सिलेक्शन होता है, डार्विन वाला जो नेचुरल सिलेक्शन वो इज़ ए मेजर डिफ्रेंसिएशन मैथड्स, यहाँ जो नई जाति बनने में नेचुरल सिलेक्शन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस नंबर पे यहाँ नेचुरल सिलेक्शन या पॉलीप्लॉइडी होती है, मेजर सिलेक्शन मेथड्स होता है, यहाँ जो मियोसिस होती है उसी समय जो पॉलीप्लॉइडी हो जाती है वो यहाँ नई जातियों के उद्भव का कारण होती है, जबकि यहाँ प्रकृति के द्वारा जो चयन होता है वो यहाँ वो प्रभावी होता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज प्रोसेस इज फास्ट हियर, जो एलोपैट्रिक होता है ये बहुत तेज़ी से काम करता है और ये क्या करता है मंद गति से काम करता है, किससे मंद गति से कार्य करता है। अंडर द ऑटो पॉलीप्लाइडी द प्रोसेस इज फास्ट एंड अंडर एलो पॉलीप्लाइडी इज द मैथड इज स्लो, इट इज़ कॉमनली सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है इससे जंतुओं की और पौधों की दोनों की नई जातियां बनती हैं, जबकि सिंपैट्रिक में क्या होता है इट इज़ कॉमनली सीन इन प्लांट, ये प्रायः पौधों में सिंपैट्रिक स्पेसिएशन देखने को मिलता है। फिर कहता है एग्जाम्पल डार्विन फिंचेस, जो बात करते हैं डार्विन फिंचेस की तो पूछ सकता है ये किस प्रकार के स्पेसिएशन से बनी है, तो एलोपैट्रिक से बनी है। ग्रांड कैनॉन्स और इसका एग्जाम्पल है व्हीट टोबैको एक्सेट्रा, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ दिया हुआ है भौगोलिक पृथक्करण व जननी पृथक्करण की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन,
इंटर प्ले द जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. जियोग्राफिकल आइसोलेशन आइसोलेशन यहाँ हम आप जियोग्राफिकल आइसोलेशन चूंकि पहले ही पॉइंट पे दिया था तो हम इसी को कर लेंगे कि इसमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन पाया जाता है. बस ये मुख्य लगा के रखेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक परितंत्र में अजैव घटक है ए बायोटिक कंपोनेंट इन द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के दो रूप होते हैं, एक होता है बायोटिक बायोटिक और एक होता है ए बायोटिक बायोटिक स्पेलिंग गलत थी और ये हो गया ए बायोटिक. तो बायोटिक में कौन से आते हैं, प्लांट्स और प्लस एनिमल्स, मतलब जो जीवित हों, मतलब जीवित समझ लो जो जीवित हों. और इसमें क्या आता है, जैसे एयर वाटर टेम्परेचर लाइट ये सब आते हैं जो निर्जीव हैं ये आते हैं. तो इसमें कहता है अजैव घटक क्या है, तो बैक्टीरिया तो जीवित है, डेफिनिया जीवित है, डेफेरिया जीवित है, क्लोरेला जीवित है. अब बचा जल, जल यहाँ कैसा है निर्जीव है, कैसा है निर्जीव है. तो यही एबायोटिक फैक्टर में क्या जाएगा, ए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो पीजीटी निकालना मुश्किल पड़ जाएगा. इस चैप्टर को यहाँ से ना पढ़ें कोई बात नहीं, मगर बुक में जरूर पढ़ लें क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करता है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन इज पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है. पारिस्थितिक तंत्र का जो महत्व है वो क्या है, तो वो है साइकिलिंग ऑफ सब एलिमेंट एंड द गैसेस. कुछ एलिमेंट तत्व और गैस चक्रीकरण करते हैं, बिल्कुल करते हैं. और एनर्जी ऊर्जा का प्रवाह, बिल्कुल ये भी सही है. तो इसका आंसर हम सी सही कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हैबिटाट दैट इज इन परफेक्ट बैलेंस विथ द स्पीसीज ऑक्यूपाइंग इट इज कॉल्ड. ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के लिए यथावत संतुलन में है कहलाता है. बताइएगा यथावत जो संतुलन में है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम निच कहते हैं, निच या निकेत के नाम से जान. ऐसा आवास इसमें रहने वाली जो जातियों के साथ यथावत संतुलन में रहते हैं उसको हम निच बोलते हैं. क्या बोलते हैं, निच या निकेत. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन होगा. वर्षा अंडरटेकन रेन फॉरेस्ट यहाँ देख लेते हैं. रेन फॉरेस्ट जो वर्षा प्रचुर वन है वहाँ जो अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाते हैं. तो देखिए दो शब्द आते हैं, एक आता है इकोलॉजी ऑटो इकोलॉजी और एक आता है सिनिकोलॉजी. ध्यान रखिएगा सिनिकोलॉजी. हम जो आपको पढ़ा रहे हैं कोई भी पेड क्लासों में भी ये मैटर आपको नहीं देगा. हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा के चल रहे हैं क्योंकि जो नए फ्रेम क्वेश्चन होते हैं, ऐसा तो नहीं कि यही क्वेश्चन रखा हो, नहीं, मगर जो हम आपको बता रहे हैं इससे जरूर क्वेश्चन बनाएगा तो जाएगा कहाँ. अपना तो मानना है कि क्वेश्चन बनाएगा तो जाएगा कहाँ. तो इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं. तो ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है, ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है, देखिए इसका नाम ही रखा हुआ है स्व. क्या रखा है, स्व. स्व माने होता है स्वयं. स्वयं क्या है, आप अकेले हैं. क्या है, अकेले. तो क्या लगा सकते हैं, जब किसी जीव का उसके इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करते हैं तो ऑटो इकोलॉजी कहते हैं. और सम परिस्थिति का मतलब, सिनिकोलॉजी का मतलब सम का मतलब होता है सभी का या सारे परिवार का. तो यहाँ लगा सकते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम सभी जीवों, मतलब वहाँ बकरी है भैंस है गाय है बैल है मनुष्य है, सबका वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सिनिकोलॉजी. तो यहाँ पूरे वर्षा वन की बात कर रहा है. वर्षा वन में तो बहुत सारे जीव होंगे अलग अलग जाति प्रजाति के पौधे के साथ, तो उसे सिनिकोलॉजी कहेंगे. इसके अलावा हम आपको एक और जानकारी दे दें,
जानकारी ये है कि आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, 299 की मेंबरशिप है, वन टाइम है, केवल एक बार देना है। और आपको अभी पीजीटी है और 17 को पीजीटी लगा है, उसके बाद हमारा जीआईसी का एग्ज़ाम लगा है, और जीआईसी का जो एग्ज़ाम है वो 16 शायद सितंबर को है, उसके बाद हमारा आश्रम पद्धति का जीआईसी लगा है, आश्रम पद्धति का जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लगा है आश्रम पद्धति का, वो 26 सितंबर को है। उसके बाद लास्ट अक्टूबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा है। तो आप यहाँ 299 मेंबरशिप देके इसका भी लाभ लेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ तैयारी आपकी कराएंगे, यहाँ के बाद यहाँ बात करेंगे, यहाँ के बाद यहाँ करेंगे। तो केवल वन टाइम 299 मेंबरशिप देनी है, और जैसे ही पीजीटी का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा वैसे ही एक नया ग्रुप बनाया जाएगा जीएस का, जो ग्रुप तो बना दिया गया है मगर अभी इसको एक्टिव नहीं किया है। जैसे ही पीजीटी एग्ज़ाम यानी 18 तारीख में, 18 अगस्त चल रहा है तो 18 अगस्त को ये ग्रुप एक्टिव हो जाएगा, और जितने भी हमारे पहले से मेंबर जुड़े हैं सबको इसमें जोड़ दिया जाएगा। आपकी जीएस की भी तैयारी होगी, चूंकि यहाँ जीएस भी आनी है, 25 या 30 नंबर की जीएस भी आनी है, उसकी भी तैयारी हम लोग कराते चलेंगे साथ में। और ओनली 299 पे करना है। जो हमारे नोट्स ग्रुप पर कंप्लीट आपको टीजीटी पीजीटी जीआईसी के नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश हैंड रिटन प्रिंटेड। इसके अलावा जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप यहाँ डेली डिस्कशन होता है टॉपिक वाइज, और जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो, क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। और यहाँ प्रैक्टिस ग्रुप पे डेली आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा देते हैं जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। और जीएस ग्रुप में आपको पूरी जीएस उपलब्ध करा दी जाएगी पढ़ने के लिए, और हो सकेगा टाइम मिलेगा तो इसमें हम लोग डिस्कशन भी कर लिया करेंगे। तो ये केवल 299 पे है, इतनी कम फीस 299 में आपको कोई एक पेज भी नहीं देगा टीजीटी पीजीटी का। यहाँ हम आपको लाइब्रेरी उपलब्ध करा रहे हैं, दूसरा हम स्वयं लगते हैं रात्रि में डिस्कशन में, मैं स्वयं एक घंटा सक्रिय रहता हूँ, तो कोई भी नहीं कर सकता। बस हमारी जिद है कि आप लोगों का सिलेक्शन, तो आप लोग जुड़ें बिना टेंशन लिए, क्योंकि इतनी मामूली सी रकम में या 299 की मेंबरशिप में तो कोई आपको एक वीडियो भी उपलब्ध नहीं कराएगा पेड का, और यहाँ तो हम आपको इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो जुड़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन इज फॉर्म बाय, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है। तो ऊर्जा स्तर कैसे आते हैं, पहले भाई प्रोड्यूसर आते हैं, देखिए प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कंज्यूमर कंज्यूमर से डिकम्पोजर डिकम्पोजर, तो ये तीनों क्या बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, मान लो ये थर्ड हो गया, तो इसमें क्या हो गया ऑल ऑफ द एबव। पीजीटी बायोलॉजी 2013, अब देखना 13 में कितने क्वेश्चन बने, एक बना। चलिए फिर चलते हैं, ये देखिए 13 में ये क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बना, टिप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड सो, पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष दर्शाता है। तो इसको हम बनाकर देख लेते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये तो यहाँ मान लेते हैं घास है, क्या है घास, घास देख लेते हैं घास है, यहाँ मान लेते हैं टिड्डी है, और यहाँ मान लेते हैं चिड़िया है, बर्ड्स है। तो ये सबसे टॉप पे कौन आया, सबसे टॉप में आया कार्निवोरस, ये कैसी है कार्निवोरस है, तो हमने लगा दिया कार्निवोरस। सब टॉप पे कौन आएगा, कार्निवोरस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डेपिकेटेड थ्रू, एक पारिस्थितिक तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। संबंधों को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 कौन सा था? ये कौन सा क्वेश्चन, तीसरा। कितने क्वेश्चन अभी तक आपने देखे 13 में, इसी चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने, तो तीन क्वेश्चन आपके सामने बने। अभी सेम टू सेम देख रहे हैं, कोई भी अंतर नहीं है, और कुछ ही समय में आप देखिए इसमें, चूंकि कहता है संबंधों कौन प्रदर्शित करता है, तो एनर्जी का भी पिरामिड आपस में संबंध, बायोमास का, नंबर का, सारे पिरामिड आपस में संबंध शो करते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, पहला विश्व का, देखिए यहाँ एक शब्द लगा हुआ है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, संसार का पूछ रहे हैं, संसार का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो संसार का फर्स्ट जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, कहाँ है, यूएसए में। और अगर भारत का पूछ दे, आपसे क्वेश्चन पूछ दे भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो कौन सा है, कार्बेट नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा भारत का, पीजीटी बायोलॉजी 3 में। ये कौन सा चौथा, ये कौन सा क्वेश्चन बना, एक ही साल में 4, एक चैप्टर से उसने कितने क्वेश्चन लिए, 4। तो
हम आपसे बार बार, और ये देखें ये 2013 में बना, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5। यहाँ से उसने कितने क्वेश्चन उठाए? 5। मैंने कहा था ना 5 से 6 क्वेश्चन, ऐसे भी चैप्टर हैं जिसे 5 से 6 6 क्वेश्चन उठाता है। आप हल्के में ले रहे होंगे डॉक्टर यूट्यूब चैनल्स को, लगता होगा जैसे सब आके बोल जाते हैं कि ना ये देखिए इसके बाद सिलेक्शन श्योर है। तो हम आपको प्रूफ के साथ देते हैं, और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जो TGT और पी जो TGT 16 और 21 के एग्ज़ाम हुए, ऐसा कोई चैनल नहीं है, मैंने दावा किया था 85% क्वेश्चन वहीं से फंसे हैं, हमारे नोट्स से, हमारे डिस्कशन ग्रुप से, हमारे प्रैक्टिस ग्रुप से और यूट्यूब, इन चारों से 85 से 90% क्वेश्चन फंसे हैं। ऐसे ऐसे अब बच्चे आ रहे हैं जो एक दूसरे को प्रेफर कर रहे हैं कि आप मेंबरशिप ले लीजिए और हमारे 105 सही हैं, 103 सही हैं, 100 सही हैं, तो ऐसे भी आए हैं। कई बार हमें फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर हमें प्रेफर किया गया फला मित्र के द्वारा। तो एक ब्रांड, एक जो है वो ब्रांड के रूप में हम इसको देख रहे हैं, केवल आप यहाँ सब्सक्राइबर और लाइक्स और मतलब वो तन बदन में आग लगाने वाला चैनल नहीं है कि तन बदन में एक ये वीडियो देखिए 100% सिलेक्शन लिया, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। पढ़ेंगे सिलेक्शन 100% का दावा करते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो राम भरोसे रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्फीयर इज लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइसेस, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। तो देखिए एक शब्द यहाँ यूज हुआ, जीवित पदार्थ। क्या है जीवित? जीवित का मतलब जो लिविंग हो, लिविंग की बात कर रहा है। तो लिथोस्फीयर लिविंग है नहीं, यहाँ जल आता है, यहाँ मिट्टी आती है, क्या आती मिट्टी, ये मतलब एटमॉस्फेयर में वातावरण आता है, ये तो कोई जीवित है नहीं। मगर बायोस्फीयर में क्या आ रहा है कि जीवित, बायो पहले से सब लगा, बायो का मतलब क्या है, यहाँ जीवों की बात हो रही है, इसी को हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो क्रोकोडाइल जो प्रोजेक्ट है वो बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में, ध्यान रखिएगा कहाँ है, बंगाल में। और देखिए यही क्वेश्चन ये बना, ये 6वां क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन अभी तक PGT में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने? 6, और 4 का 1 है, 6 चौक 24, और लगभग 25 26 27, 4.25 का होता है तो लगभग 26.5 अंक, जिसने इसको मन से पढ़ लिया होगा 26.5 अंक लेके वो टॉप कर गया होगा। तो ये कहाँ तो था? बंगाल में। तो इसका आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये जो पहली बार लॉन्च हुआ था क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित भी है, और लॉन्च जो हुआ था उड़ीसा में हुआ था। क्या हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो ये कन्फ्यूजिंग है, इसका सही आंसर आप लोग भी हमें उपलब्ध कराइएगा कि सटीक आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, भारत में कितने जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। यहाँ 18 कोई ऑप्शन नहीं है, तो 17 लेके चलेंगे, मगर ये भी गलत है। सही आंसर क्या है? 18। PGT बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना है। इसको देख लेते हैं कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं। ये थोड़ा सा डाटा आपके लिए रखा था, और इनकी जो संख्या है वो 18 है, ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, और खंगरजे दोजांग सिक्किम, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, मानस असम, डिब्रू सैखोव असम, नेकरेक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, और अचनक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश, कच्छ गुजरात, सबसे बड़ा क्षेत्र है कच्छ गुजरात का। ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल बन सकता है, किस बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो कच्छ गुजरात वाले में है। और सिमलीपाल उड़ीसा, सिमलीपाल कहाँ पाया जा रहा है? उड़ीसा में पाया जा रहा है। रुकिए, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, फिर सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, सेसाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा नीलगिरी जो, इसके अलावा अगस्त्यमाला कर्नाटक, तमिलनाडु केरल, नीलगिरी तमिलनाडु केरल में पहले शामिल होने के लिए था, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंड
मानव निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। और थोड़ा सा और डाटा यहाँ देख लेते हैं, और डाटा थोड़ा सा सीरियस था इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यूनेस्को के विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को कम करने के लिए यूनेस्को ने विकास और संरक्षण संघर्ष कम कर प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए पदनाम बायोस्फीयर दिया। आपसे पूछ सकता है बायोस्फीयर पदनाम किसने दिया है, तो यूनेस्को ने दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है, जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इनका जो गठन होता है वो किस आधार पर होता है, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम होता है उसके तहत न्यूनतम मानदंड पूरे करने होते हैं। वैश्विक रूप से 122 देशों में 686 बायोस्फीयर भंडार हैं। हो सकता है कितने बायोस्फीयर हैं विश्व में, तो 686 हैं जिनमें 20 पारगमन स्थल शामिल हैं। ये डाटा आपको दिया जा रहा है जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व का कुछ और डाटा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और ये क्वेश्चन बने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को कई भागों में बांटा जाता है। पहले आता है कोर क्षेत्र, मध्य का भाग, जैसे ये है कोर क्षेत्र आता है इसका। ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है, इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं, स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएँ जो प्राकृतिक क्रियाओं और वन्य जीवों को प्रभावित न करें की जा सकती, केवल यहाँ रिसर्च किया जा सकता है जो वहाँ को डिस्टर्ब ना करे। एक कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें ज़्यादातर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित विनियमित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आपसे पूछ सकता है वो क्षेत्र कौन सा होता है बायोस्फीयर का जहाँ कोई नहीं जा सकता, तो वो कोर क्षेत्र है। फिर आता है बफर क्षेत्र। दूसरा बफर क्षेत्र क्या होता है, बफर क्षेत्र कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है। मान लो कोर क्षेत्र ये हमारा हो गया, बफर क्षेत्र क्या हो गया, बफर क्षेत्र। इस क्षेत्र का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतया नियंत्रित और गैर विध्वंसक हों। इसमें सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल है। इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक व संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। अनुसंधान एवं शैक्षिक गतिविधियां इस क्षेत्र में चलती रहती हैं। संक्रमण क्षेत्र क्या है, इसके बाहर का तीन क्षेत्र बांटे, मान लो ये और ये, तो ये हो गया कोर, ये हो गया हमारा बफर क्षेत्र और लास्ट वाला हो गया ट्रांजिशन। ये बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बाहरी हिस्सा है। ये सहयोग का क्षेत्र जहाँ मानव उद्यम संरक्षण और श्रद्धाओं से किए जाते हैं। इसमें बस्तियाँ, फसलें, प्रबंधित जंगल, मनोरंजन के लिए क्षेत्र, आर्थिक उपयोग आदि शामिल है। तो पूछ सकता है वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें मनुष्य का सबसे ज़्यादा दखलंदाजी होता है, वहाँ वो खेती करता है आदि करता है, तो वो है संक्रमण जोन। ये डाटा था, तीनों से क्वेश्चन बने हैं इसीलिए इस डाटा को आपको दिया। चूँकि यहाँ बस वो काम नहीं है कि ए का बी है, बी का सी है, हो गया। यहाँ आपको ऐसे डाटा दिए जाते हैं जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये दिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, हाउ मच फॉरेस्ट कवर शुड बी देयर इन हिली एरियाज। हिली एरिया में 67% वन होने चाहिए, कितने होने वन, और मैदानी क्षेत्रों में 33%। ये मैदानी जो क्षेत्र हैं वहाँ वन कितने होने चाहिए, 33%, और जो हिली क्षेत्र हैं वहाँ 67%। PGT बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना है, और यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। मैदानी क्षेत्र में पूछ ले तो वन आच्छादित क्षेत्र कितना, 33%, और जो हिली क्षेत्र हैं 67% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का डर कहा जाता है। Which of these is called terror of Bengal? बंगाल का डर किसे कहते हैं, इकॉर्निया को कहते हैं। क्या कहते हैं, इकॉर्निया को क्या बोलते हैं, जलकुंभी। क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। और आपने देखा होगा तालाब में ये ढेर सारी आपको देखने को मिलती है, पूरे तालाब को ही ढक लेती है, वहाँ फिर कोई जीव रह नहीं सकता है, तो ये उसे बंगाल का डर कहा जाता है। PGT बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। ये 2016 में भी क्वेश्चन बना था, 2016 के TGT में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बना था। एनर्जी का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, ये हरदम सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, तो ये तो आप सब जानते हैं, तो इसके बारे में बहुत तो बताना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज
पास्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ, पीजीटी बायोलॉजी 2011। देखिए 5 में 11 में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं, तो महत्व का पता तो आपको लग ही जाएगा कितना है। तो 1972 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है, कौन सा पक्षी स्टेट सिंबल है, तो वो है सारस केन। कौन है सारस केन, देख भी लेते हैं, इसका चित्र लगा के रखा था आपके लिए। ये देखिएगा, ये तो ये आप यहां देखेंगे तो ये सारस है। ये क्या है, सारस है। ये क्या है, राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस है। और राजकीय पशु कौन सा है अगर पूछ दे तो बारहसिंघा है, ध्यान रखिएगा। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा है। राजकीय पुष्प क्या है, पलास। पलास का मतलब समझ रहे हैं, पलास को बोलते हैं ढाक, क्या बोलते हैं ढाक, ढाक का फूल, तो वो पलास का फूल है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। तो देखिए क्वेश्चन पीजीटी में आपसे नॉर्मली भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो जहाँ से आपका कंफ्यूजन हो तो ये है। और मोर कहाँ का, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का। हम उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 देखिए 11 में 3-4-5 क्वेश्चन बने आपके सामने, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या संभव है। तो जब अत्यधिक संख्या संभव है तो क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, आपसी क्या होगा, झगड़े होंगे। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में क्वेश्चन पूछा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है, ए नंबर ऑफ नेचुरल रिजर्व हैव बीन क्रिएटेड टू द कंजर्व स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पेसिफिक आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अनेक प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि विशेष वन्य जंतुओं की जातियों को संरक्षित किया जा सके, तो इसमें से हमें ये देखना है करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। काजीरंगा, तो काजीरंगा में गेंडा मिलता है, एक सिंग वाला गेंडा मिलता है। यह क्या दिया है, हाथी, गलत करो, इसको काट दो। राणा ऑफ कच्छ वाइल्ड है, ये बिल्कुल सही है। गिर फॉरेस्ट में क्या मिलता है, तो ये गलत है। गिर फॉरेस्ट में क्या है, शेर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, शेर। मानस वाइल्ड लाइफ में क्या मिलते हैं, मस्क डियर सेंचुरी, कस्तूरी मृग, ये गलत है। कस्तूरी मृग कहाँ देखने को मिलते हैं, तो उत्तरांचल का है, उसमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी, यहाँ का ऑप्शन क्या सही करेंगे, बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सर्वाधिक सौर ऊर्जा इसमें से कौन ग्रहण के, ग्रोइंग ग्रासेस, हार्वेस्टिंग ट्री, प्लांटिंग ग्रास, कल्टीवेशन क्रॉप। तो सबसे ज्यादा कौन ग्रहण करता है, कल्टीवेशन क्रॉप। ये देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2009 में क्वेश्चन बना है। अब कल बात करेंगे इसके आगे के पीजीटी क्वेश्चंस की। इसी के साथ नमस्कार। एक अच्छा और कन्फ्यूजन है, उसको भी देख लीजिएगा। कन्फ्यूज़न एक बड़ा ये आ रहा है, और कई सारे क्वेश्चन क्वेरी आ रही हैं कि सर जो ये आपको कल हम सब डिस्कस करेंगे, क्वेरी आ रही है सिलेबस को लेके, पीजीटी के सिलेबस को लेके, पीजीटी के सिलेबस को लेकर, ध्यान रखना। जो सिलेबस को लेकर दिक्कत ये आ रही है कि सभी लोग कह रहे हैं जैसे वहाँ बॉटनी का पार्ट नहीं दिया है सिलेबस में, एक्चुअली में जूलॉजी, जूलॉजी ही दी है पीजीटी के सिलेबस में, बॉटनी नहीं दिया है। परंतु जब 2019 का आप एग्ज़ाम देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में देखेंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट डॉक्टर नोट्स पे प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे, पीजीटी बायोलॉजी सॉल्व क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर 2019, तीन वीडियो पढ़े हैं 10-10 मिनट के, 2019 का जो मूल पेपर है वो हमने सॉल्व कराया है। तो यहाँ जूलॉजी दिया है, वहाँ एक चीज़ हमें देखने को मिली, और ये जब बॉटनी जब समाप्त हुई थी, बॉटनी पहले पीजीटी होता था, तो उसने 62 क्वेश्चन उसने जूलॉजी के दे रखे हैं और 62 क्वेश्चन उसने
बॉटनी के दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा बॉटनी के दे रखे हैं, मगर सिलेबस में यहाँ मेंशन नहीं है, न टेरिडोफाइट है, न जिम्नोस्पर्म, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आपको जो जर्नल जर्नल जो बॉटनी है यानी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, सबको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। क्वेश्चन बने हैं, आप देखेगा वहाँ, वीडियो देखेगा, और वहाँ आपका फैमिली से 3-4 क्वेश्चन आए थे 2019 में, पूछा गया था, फैमिली से क्वेश्चन आए थे, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, टेरिडोफाइट से क्वेश्चन आए थे, जिम्नोस्पर्म से क्वेश्चन आए, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, मगर हाँ एवरेज लेवल पर पढ़ना है। चूँकि आप सब पीजीटी की तैयारी कर रहे थे तो बॉटनी जो पीजीटी में पढ़ी उसी को फेर जरूर लेना, एक बार फेरना जरूर। तो ये है, इसी के साथ नमस्कार।